यहाँ पर ये अर्ज कर दूं कि हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम के जहाँ पर आज़िर का लफ्ज़ आता है ना, वो आपके चचा हैं। अम्बिया के लिए ये उसूल याद रखें सुनने वाले हमारे नाज़रीन भी, कि अम्बिया जितने भी होते हैं अल्लाह ताला उनको ये मकाम और मर्तबा अता फरमाता है कि उनके वालिदैन हमेशा हक पर होते हैं। हुज़ूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान जिसका मफहूम है कि मैं पाक रहमों से पाक पुश्तों में मुंतकिल होता चला आया और सबसे आला ख़ानदान में मैं मौजूद हूँ, इससे ये बात साबित होती है कि हज़रत इब्राहिम अलैहिस्सलाम के वालिद वो ईमान वाले थे, मुवाहिद थे, और किसी बंदे का उस दौर के अंदर के जिस दौर के अंदर कोई नबी तशरीफ़ न लाए, सिर्फ अल्लाह ताला की वहदानियत को मान लेना ईमान की दलील होती है। कोई बंदा अगर ये कहता है ना कि हज़रत इब्राहिम अलैहिस्सलाम के वालिद माज़ल्ला मुशरिक थे, ऐसी बात नहीं है, ये हुज़ूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उस हदीस के ख़िलाफ़ हो जाएगा। तो जब भी आप किसी को मोटिवेट करें तो साथ ये भी बताएं। अब रही बात ये कि कुरान ने कहा वाइज काला इब्राहिम ली अभी ही आजरा अतत्ताखिज़ वसनामन आली है। मैं अर्ज करता हूँ अब का लफ्ज जो है ना, अब का लफ्ज अलीफ और बा, इसका माना होता है, अगर आप इसको खोल के देखें डिक्शनरी के अंदर, अब का लफ्ज बाप पर भी बोला जाता है, अब का लफ्ज चचा पर भी बोला जाता है, अब का लफ्ज दादा पर भी बोला जाता है। पारा नंबर एक जब उठाएंगे ना हम, तो वहां पर लिखा है आबाई का इब्राहिमा व इस्माइला व इसहाका इलाहम वाहिदा। तो अब का लफ्ज ये मुश्तरक है, बाप के माँ बहन भी चचा एक, 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 मेरी बात मुकम्मल हो लेने दें। अब जो अब है ना ये मुश्तरक है, मैं उसकी मिसाल एक आम जुबान में देता हूँ। सर मैं आप और मैं मिसालें करते रहेंगे, जिन अरबों ने ये मिसालें रकम की, मैं अरबों की मिसाल ही देता हूँ। हजर ने ज्यादा अरबी जानती है, आप इब्ने हजर को छोड़े, अभी बात मेरी कम्प्लीट हो लेने, बाद में इब्ने हजर को देखेंगे, पहले अभी बात हो लेने। हज़रत इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने एक दुआ मांगी है जिसको हम हर नमाज के अंदर मांगते हैं, रब्बी जालनी मुकीम सलाती व मिन ज़ुर्रियती रब्बना व तकब्बल दुआ रब्बना अग़फिर ली। आगे क्या है, वाली वालिदैया। लफ्ज़ वालिद वो होता है कि जिसके नुतफा से कोई बच्चा पैदा हो, और अब वो होता है लफ्ज़ अब के जो चचा पर भी बोला जाता है, ताया पर भी, दादा पर भी। बिल्कुल, हज़रत इब्राहिम अलैहिस्सलाम का ये दुआ मांगना रब्बना अग़फिर ली वाली वालिदैया इस बात की दलील है कि आपके वालिदैन वो हक पर थे। अगर हक पर ना होते, खुद ये इब्राहिम अलैहिस्सलाम की दुआ का जवाब अल्लाह ने दिया हुआ है। देखें, तुम अपने बाप के लिए दुआ तो करते हो मगर वो बाप का लफ्ज है भाई, वहां पे वालिद का लफ्ज नहीं। आपके इस सवाल का जवाब मैंने दिया कि ये तो जवाब अल्लाह ने दिया हुआ है। मैं अर्ज करता हूँ, आप आम जुबान में जब हम बोलते हैं किसी बंदे को, बात लंबी हो जाएगी, शॉर्टकट ही करना है, मैं छोटा करके आपसे सवाल पूछता हूँ। हम आम जुबान में कहते हैं ताया के साथ क्या लफ्ज बोलते हैं, ताया अब्बू बोलते हैं कि नहीं? आप और मैं बोलते हैं ना, सुनिए सर, हम बोलते कुरान हैं में, आयत में जब अल्लाह ताला इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने अपने भाई, जब हम आम जुबान में बोलते हैं ताया अब्बू, दादा अब्बू बोलते हैं, वहाँ पे वालिद का लफ्ज नहीं बोलते। इसी तरह अरब के अंदर भी लफ्ज अब ताया और ताया और चचा और दादा पर बोला जाता है। तो ये बात कहना कि हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम जो है वो मुसलमान नहीं थे, फिर आप मेरी बात सुन नहीं रहे ना। चले, उनकी इब्राहिम अलैहिस्सलाम के जनाब नसब के अंदर तान करना और ये बात इस्लाम के उसूलों के खिलाफ है। बात सुनिए सर, चले जी, बस ये मेरा नहीं, आपका जो मौकफ है ना उसमें कुछ काफी सारे फ्रैक्चर है, उसमें बात सुन लीजिए। उनके चचा जो थे वो उन्हीं दादा के बेटे थे जी, बिल्कुल। तो उनके चचा मुशरिक हो जाएं तो कोई मसला नहीं, मगर बाप मुशरिक ना, आप ये कह रहे हैं क्या चीज? मतलब अबू लहब जो है नबी इस्लाम, चचा मुशरिक हो सकता है, इसमें अच्छा, कोई मसला नहीं, बाप मुशरिक नहीं हो सकता नबी का, ये उसूल है इस्लाम का, बुनियादी उसूल है। जो आपने उसूल बताया, बात शुरू करते ना बीच में रोक भी दिया, आपका मौकफ सुन लिया, आपने जो उसूल बनाया वो लिसानियत में बनाया है जी, लिसानियत के उसूल के खिलाफ आपको इस हदीस की, इस आयत की, या मेरे इस मौकफ की जिद में कोई हदीस पेश करनी? मैं आयत पेश करता हूँ, पुराने पाक कहता है वमिन आबाइहिम वज़ुर्रियातिहिम व इख़वानिहिम वज्तबईनाहुम वहदैनाहुम इला सिरातिम मुस्तकीम, जहाँ पे अम्बिया का तज़किरा आता है पारा नंबर 7 के अंदर, आप इस आयत को खोल के देख लें। आप हज़रत इब्राहिम वाली वो आयत क्यों नहीं बता रहे जिसमें इब्राहिम ने खुद गुजारिश की अल्लाह से और अल्लाह ताला ने कहा कि आपको क्या इस्तिस्ना मिली अपने बाप के लिए, इब्राहिम अलैहिस्सलाम को इस्तिस्ना मिली? अल्लाह ताला ने कहा नहीं, हम खुद चाहेंगे इसके साथ क्या फैसला, हम, मुझे पता है तुम्हारी चाहत क्या है अपने बाप के बारे में। हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने अपने वालिदैन के हवाले से दुआ की है, यानी बस इतनी बात बताई जी, और उसके ऊपर जवाब मिला है आज़र के बारे में, जवाब अल्लाह ने खुद दिया। जब ये दुआ करेंगे ना हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम की, तो तब आपके वालिदैन
और फिर इसके बारे में तो वाज़ह हदीस मौजूद है, हुज़ूर फरमा रहे हैं कि मैं पाक रहमों से पाक पुश्तों में मुंतकिल होता चला है। इस हदीस का क्या जवाब होगा? इसलिए कन्फ्यूजन में डालने से बेहतर ये है, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि मैं निकाह का सबूत हूँ। हर नस्ल आप में क्या समझते हैं कि हुज़ूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नस्ब के अंदर कोई बंदा मुशरिक था? सर बात समझने की कोशिश करें, सिर्फ इस बात का ये तो सवाल है ही नहीं, आपने जान के सवाल स्टार्ट कर रहे हैं कि जब आप हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम के वालिद के बारे में ये बात करेंगे, बात तो बड़ी दूर तक चले, इनको आप बताइए हजरत आदम अलैहिस्सलाम से लेकर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तक तमाम जितने भी करीम आका अलैहि सल्लतु वस्सलाम के जो नसब के अंदर आते हैं, सब के सब मुवाहिद थे, वो तौहीद परस्त थे, कोई भी मुशरिक नहीं था। अगर आप किसी एक को भी डिक्लेयर नहीं करेंगे तो आपका जनाब वो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नसब के हवाले से बहुत दूर तक बात जाएगी। सर नबी इस्लाम की हदीस है कि मेरी हर नस्ल पुश्त निकाह का नतीजा है। आपने वो जो पाक का लफ्ज निकाला है वो यहाँ से उसकी असल तो निकाह कौन करता है? मुशरिक निकाह करता है। हाँ बिल्कुल, अब मेरी बात सुनिए, आप बात काटिएगा मत, सर आप उनकी भी सुनिए ना, बात काटते हैं। दो मुशरिक जब इस्लाम में आते हैं ना तो क्या दोबारा निकाह करते हैं? नहीं। अगर तो इसका मतलब है निकाह उनका जायज रहता है। अगर सुने सर मैं बात कर रहा हूँ, आप प्लीज बीच में मत बोले। एक मियाँ बीवी गैर मुस्लिम जब इस्लाम में दाखिल होते हैं दोबारा निकाह नहीं करते, क्योंकि वो निकाह रिकग्नाइज होता है। ठीक है, ठीक है। इसका मतलब है कि वो जो नस्ल वो पैदाइश करी वो पाक नस्ल ही है। अगर ये बात होती कि हम निकाह मुशरिकों का दोबारा करेंगे तो हम कह देते कि भाई तुम्हारी तो नस्ल में ही मसला आ गया। ये है उस हदीस का मतलब कि अगर हज़रत अबू तालिब जब इस्लाम में आए हैं अकॉर्डिंग टू यू कि तो हज़रत फातिमा बिन्त सअद का निकाह दोबारा हुआ था नहीं ना हुआ था? मुझे नहीं पता। नहीं हुआ था ना। किसी भी दो मुशरिकों का मैं तो इस केस के ऊपर तुम ये नहीं कहना चाहिए, जब भी कोई गैर मुस्लिम काफर हो या मुशरिक हो, ईसाई हो या यहूदी हो, जब वो दो मियाँ बीवी इस्लाम में दाखिल होते हैं वो वही मियाँ बीवी ही रहते हैं। अब हदीस का मतलब ये है कि मैं किसी भी मौके के ऊपर हजरत आदम से लेके आज तक अब्दुल्ला बिन और आमना के तक किसी एक मौके पे भी गैर निकाह का नतीजा कोई भी नस्ल नहीं थी। ये दोनों हर नस्ल निकाह करते, आपने उनको इस्लाम में दाखिल कर दिया, कोई बात नहीं, मेरी मुझे तो मैं तो चाहता हूं। बात है ना, फिर आप मगर, उसको माने बात को खत्म करें। कुरान कहता है या अय्युहल्लज़ीना आमनु, एक मिनट, कुरान कहता है या अय्युहल्लज़ीना आमनु इन्नमल मुशरिकूना नजसुन। जब नजस का लफ्ज मुशरिक के हवाले से, मुशरिक नजस नहीं होते सर, कुरान कह रहा है या अय्युहल्लज़ीना आमनु इन्नमल मुशरिकूना नजसुन, निकाह नजस हो गया ना फिर। नहीं, कुरान कह रहा है इन्नमल मुशरिकूना नजसुन, के मुशरिक नजस है। जब आप हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम के वालिद के हवाले से, भाई कुरान ने कहा है, और कुरान ने कॉन्टेक्स्ट बांधा है ना, मैंने कहा ना कि नजस है, पलीद है, उसको वो इस तरह का नजस है कि उसके अंदर भी निजासत है, उसके बाहर भी निजासत है। मगर उसके निकाह को हम मानते हैं, निकाह को तब मानेंगे जब दोनों मुसलमान हो जाएंगे, दोनों कलिमा पढ़ लेंगे, तो उसके बाद हम कहेंगे ठीक है इनका पुराना निकाह बाकी है। उसकी वजह ये कि दोनों ने कलिमा पढ़ा है, और हम अगर ये कहें कि उनका पहला उनका कलिमा पढ़ना उनके निकाह के खत्म होने का सबब बना है तो ये गलत हो जाएगा। इस्लाम रिश्तों को जोड़ता है, इस्लाम चीजों को खत्म नहीं करता। उनका पुराना निकाह इस वजह से कायम है कि इस्लाम चीजों को जोड़ने वाला है। हम अगर ये कहें कि उनका पहला निकाह ही खत्म होगा, तो एक सवाल आप इनसे पूछे, एक मैं आपसे पूछूंगी, फिर हम अफ्तारी की तरफ चलेंगे। उनके वालिद ना होने की जिद में आए तो नहीं है ना इनके इब्राहिम आज़र के वालिद का लफ्ज और है अब का लफ्ज है, इसको सिर्फ समझने की जरूरत। मैं आपको मेरी ताईद में बात कर रहे हैं, फिर इसका मतलब है कि कुरान ने ये नहीं कहा कि आज़र इब्राहिम का बाप नहीं है। कुरान ने अब कहा है बाप, बाप सवाल सर आसान सा करके मैंने पूछा, वाइज काला इब्राहिम ली अबी ही, कि जब मैंने जो सवाल पूछा सर वो समझ लें, कुरान ने ये तो नहीं ना कहा कि नहीं इसका बाप नहीं है। कुरान ने बाप होने की नफी नहीं की, कुरान ने बाप होने की नफी नहीं की, लेकिन यहां तक आप सुने सुने यहां पर अगला सवाल सुन लें। अरब उलमा, मैं आपको इस असकलानी का क्यों बता रहा हूं आपको, अरब उलमा को हमसे ज्यादा अरबी की नसूस का पता है। उन्होंने चाचा की जान के ऐसी कोई बात नहीं की, उन्होंने वालिद ही के ऊपर ठहराया मुकदमा। सुने उनको अरबी में ना, मैं क्योंकि आप असूल लिंग्विस्टिक्स में ठहरा रहे हैं कि अरबी में इस्तिलाह में ये मसला होता है, ये आता है लिसानी उसूल। ठीक है, अब लिसानी उसूल के लिए हम अरब नेटिव अरब उलमा को ही रुजू करेंगे जिनको अरबी वाकई में आती है। उन्होंने कभी भी इस उसूल की या इस वजह से आज़र को चचा नहीं कहा। ठीक है, इसके अलावा अलामा इब्ने हजर अस्कलानी के अलावा बहुत सारे ऐसे मुफस्सरीन हैं कि जिन्होंने इस बात की तायीद की है, जिन्होंने इस बात की तायीद की है कि हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम के वालिद का नाम तारिख था, आपके वालिद का नाम आज़र नहीं था, आज़र आपके चचा का नाम है, और ये हुज़ूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नसब पर तो बहुत बड़ा तान होगा, और इसलिए ये इस
चीज को आगे बयान आप जबान के ऊपर भाई लिसानियत तो मैंने एक मिसाल दी है, इसके अलावा जो दो तीन आयत पड़ी है वमिन आबाइहिम वज़ुर्रियातिहिम वज्तबैनाहुम वहदैनाहुम इला सिरातिम मुस्तकीम। कुरान कहता है अंबिया से हम चुन लेते हैं इनके वालिदैन में से कि हम उनको ईमान की दौलत अता फरमाते हैं। आप तो उस आयत का सरी इनकार कर रहे हैं। आपने सुने, आपने तमाम तर वो मामलात जो कि हजरत इस्माइल से लेके कुसै तक के थे सबको आपने इस्लाम में दाखिल किया। बिल्कुल। और उसके बाद आपने कहा है कि मैं हजरत आदम अलैहि सलाम से लेकर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तक जितने लोग हैं कि जो करीम आका अलैहि सलातो वसलाम का मुबारक नूर जहां से मुंतकिल होता चला आया वो सारे के सारे मुवहिद थे। मैं मानने के लिए तैयार हूँ, मुझे दोनों खुशी होगी। मसला है कि आपने फिर कहा कि ये तकिया करते थे उस दौरान जिस दौरान जहलिया अपने पीक पे था, ये सारे मुसलमान अकेले में छुप के मुसलमान। यार बात ये है कि जब एक बंदा सिर्फ अल्लाह ताला को वाहिद मान लेता है ना उस दौर के अंदर के जब कोई नबी तशरीफ नहीं लाते, उसका ये मान लेना ही ईमान की दलील है। वो ईमान और ईमान और इसी वजह से कहते हैं ना ईमान और हजरत आदम अलैहि सलाम से लेकर आज तक ईमानियत वही। अब मेरी ये सुन ले, हजरत आदम अलैहि सलाम से लेकर आज तक ईमानियत वही है। हजरत आदम अलैहि सलाम ने कहा अल्लाह ताला एक है। हजरत ज़ैद के बारे में नबी सलाम ने कहा ना, क्योंकि हजरत सईद बिन ज़ैद ने कहा मेरे बाप का क्या हुआ या रसूल अल्लाह, वो तो सहाबी हैं, उनकी बात ना सुने ना। सर मेरा जुमला क्यों काट देते हैं आप? आप जब भी मैं बात करने लगता हूँ बीच में काट देते हैं आप। सहाबी को दरमियान में मैं कुछ बात बताने लगा, आपको क्या पता आपके पास गैब का इल्म तो नहीं है ना? नहीं, गैब का नहीं है। तो मेरा बात सुन ले फिर। नबियों जी मैं आपको बताता हूँ, नबियों का इल्म भी इसी तरीके से उसी की जिद में आपको मैं कुछ मुकदमा पेश करने लगा। सईद बिन ज़ैद ने कहा या रसूल अल्लाह मेरे बाप का क्या होगा, वो उस वक्त में अहद की बात करता था जब ये जहलिया अपनी पीक पे था। नबी अस्सलाम जानते थे उनके वालिद को ज़ैद को उस वक्त, ठीक है, काबे में खड़ा होकर वो ऐलान करता रहा था कि ये बुतों को खिलाफ जाना है, तुम ये बुत ये शिर्क कर रहे हो। नबी सलाम ने कहा कि मुझे पता है तुम्हारे बाप का, तुम्हारा बाप ज़ैद अपनी उम्मत में एज एन उम्मत अकेला खड़ा होगा आखिरत वाले दिन, क्योंकि वो मुवाहिद ही था, वो अहद पे कायम था। नबी सलाम ने कभी भी कुसै के बारे में, अब्दुल मुतलिब के बारे में, अब्दुल्ला के अलैहिस्सलाम के बारे में नहीं बताया है, ना ही अपनी किसी नस्ल के बारे में हदीस बताई। सुने सुने सर मेरा मुकदमा पूर्ण, ज़ैद खुद मौजूद है, अब्दुल्ला भी मौजूद है, अब्दुल मुतालिब भी मौजूद है, अब्दुल मुतलिब भी मौजूद है, एक ही टाइम के हैं, मगर ये आपस में कनेक्ट नहीं हो रहे, एक ही काबे में खड़े होते हैं, मगर इन सबको आपस में एक दूसरे का नहीं पता कि हाँ ये भी मुवाहिद है और मैं भी मुवाहिद हूँ। ये अलग अलग ही खेल रहे हैं, क्योंकि वो अगर इकट्ठे होते तो नबी सलाम ज़ैद के बारे में ये ना कहते कि ये एज एन उम्मत अकेला खड़ा होगा, क्योंकि वाकई ईमान पे था, कोई भी साथ नहीं आया उनके। आपकी बात कम्प्लीट होगी, बताएं मुझे उस हदीस का बस जवाब दे दें। हुजूर फरमाते हैं कि मैं पाक नस्ल, मैंने जवाब दे दिया, आप सुनना नहीं चाह रहे सर, वो निकाह की बात है, वो समझ निकाह की बात है। इन्नमल मुशरिकून नजसुन का लफ्ज जो है इस बात पर दलालत कर रहा है कि मुशरिक नजस है, और नबी जो भी होते हैं उनके हवाले से ये उसूल है कि उनके वालिदैन हमेशा हक पर होते हैं। अगर किसी नबी के हवाले से हम ये अकीदा रखें कि उनके वालिद मुशरिक थे तो ये जनाब ईमानियात की एक शिक के खिलाफ है। ठीक है, तो आप ये मानते हैं कि अबू तालिब मुसलमान थे? मैं मानता अबू तालिब मुसलमान थे। हजरत जनाब अबू तालिब जो है ना उनके हवाले से, उनके हवाले से और मसला अभी बात हो रही है। सुने सुने आप कह रहे हैं कि नबी के बाप नहीं है। सुने तो सही सर, वो नबी के बाप नहीं है, मुझे ही पता है सर, बस फिर हर एक को पता है। मसले को ना मैं बता, आप मसला अभी हो रहा है हजरत इब्राहिम हवाई बातें कर रहे हैं, मैं उसको जवाब देने की कोशिश कर रहा हूँ कि आपने कहा अब्दुल मुतलिब मुसलमान है, अब्दुल्ला मुसलमान है, मोहम्मद मुसलमान है, बाकी सारे भाई मुशरिक हैं। मैंने ऐसा नहीं कहा। और क्या कहा? मैंने नबी, अभी सिर्फ बात हो रही है हुजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो मैंने आपसे लेकर हजरत आदम अलैहि सलाम। नहीं मैंने सर, मैंने उतने दूर नहीं गया हूं मैं। आपने ये कहा है अबू तालिब भी मुशरिक है, अबू लहब भी मुशरिक है, हमजा भी मुशरिक है, ठीक है, ये चारों भाई हैं। अबू अब्दुल्ला मुसलमान हो गए हैं और अब्दुल मुतलिब मुसलमान है, मगर बाकी के सारे भाई मुशरिक रखे हुए हमने, ये जरा सोचे आप क्या बात है। माकान अली नबी वल्लजीन आमनु अन यस्तगफिरु लिलमुशरिकीन वलौ कानू उली कुरबा, किसी नबी के लिए ये जायज नहीं। ये अब आयत अब गौर से सुनिएगा। माकान अली नबी वल्लजीन आमनु अन यस्तगफिरु लिलमुशरिकीन वलौ कानू उली कुरबा, किसी नबी के लिए भी जायज नहीं, किसी ईमान वाले के लिए भी जायज नहीं कि वो अपने करीबी रिश्तेदार जो मुशरिक हो उसके लिए दुआए मगफरत करे। हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम का दुआए मगफरत करना इस बात पर दलालत कर रहा है। अल्लाह ने जवाब दिया उस दुआ का।